कि आपको कराएंगी अपनी वार्डरोब का टूर। तो ये मेरी है अलमारी है, ये महाद के कुछ फॉर्मल जूते आ गए हैं। नाउ कम टू दिस, और यहाँ पे पफी ऐसी स्लीव्स हैं। लव फर जैकेट्स बाय द वे, ये मेरा फर जैकेट है। मेरा पूरा पूरा नहीं, ये दो कपड़े डाले, ये मेरी यूनिवर्सिटी के लिए है। अलमारी का जो ये वाला पार्ट है वो है महाद का। Hey there everyone, welcome back with another vlog. So guys, आज का vlog थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, बट फिर भी हो रहा है। vlog तो लाजमी है ना यार, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग हमें देखना पसंद करते हैं। तो आज का vlog बेगम के नाम, बेगम आज अपनी अलमारी सेट कर रही हैं। हाँ, बेगम अलमारी सेट कर रही हैं और फिर ये आपको कराएंगी अपनी वार्डरोब का टूर। क्योंकि जब मैंने मतलब अपने वैनिटी टूर करवाया था तो फिर सब कह रहे थे कि वार्डरोब टूर भी करो। थोड़ा जोर से बोले, फैन चल रहा है। जब मैंने अपना आवाज मेरी वैसी खराब है, आवाज जब मैंने वैनिटी टूर करवाए थे ना, तो सबने कहा था कि वार्डरोब टूर भी करें। हाँ। तो आप लोगों की फरमाइश पे ही आया है वन एंड ओनली वार्डरोब टूर। हाय डियर एवरीवन, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा वैनिटी टूर करवा दूं। वैनिटी टूर तो करवा चुकी हूँ, तो मैं आज थोड़ा सा आप लोग को अपना वार्डरोब टूर करवा दूँ। ऑल तो मेरी वार्डरोब जो है थोड़ी सी गंदी थी, लेकिन गंदी इन अ सेंस कि थोड़े से कपड़े फैले हुए थे, तो वो मैंने बस समेटे हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने इस दफ़ा पता नहीं कैसे मैंने अपनी वार्डरोब ज़्यादा ख़राब नहीं की। अच्छा जी, तो ये मेरी है अलमारी, सही है, ये मेरी अलमारी है। और यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर एक शोकेस टाइप का बना हुआ है, जिसमें कुछ टाइम पहले बहुत सारे मेडल्स वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने अब इसमें यहाँ पे अपनी कुछ पिक्चर्स और ये सब चीज़ें सजा दी हैं, ताकि जो है ना मेरी जो मेड है उसको सफाई करने में मसला ना हो। तो ये मैंने यहाँ पे कुरान पाक रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ पर हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ पर हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ पर भी, और नीचे जा नमाज है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाली अलमारी, जो कि है महाद की। अच्छा, इसमें मैं जिस चार हूँ ऊपर की अलमारी है ना, इसमें बेसिकली मेरे सर्दियों के कपड़े होते हैं। सर्दियों के कपड़े हैं, मोटी मोटी चादरें हैं, और हमारे हैंड कैरीज वगैरह जो होते हैं ना, जो हम टूर वगैरह पे लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें। तो ये है कि यहाँ पर जो ऊपर सारे भारी भारी सामान और कुछ महाद की चीज़ें हैं, जो महाद के यूनिवर्सिटी लाइफ की थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर है, अच्छा ये भी दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है। यहाँ पे हैं बुक्स मेरी, कुछ पुरानी, कुछ महाद की पुरानी जो बुक्स वगैरह ना, वो मैंने सारी ऊपर रख दी थी, और महाद की कुछ आर्किटेक्चर की सारी चीज़ें वो भी मैंने ऊपर ही रख दी थी, ठीक है। अब ये वाला सेशन आ जाता है, अलमारी का जो ये वाला पार्ट है वो है महाद का, ठीक है। जो कि सिर्फ यही पार्ट है महाद का, अगर मैं आप लोगों को सच बात बताऊँ तो सिर्फ पूरी अलमारी में एक यही पोर्शन है महाद का, ठीक है। और यहाँ महाद के मेरा पूरा पूरा नहीं है, दो कपड़े डाले हुए नीचे, तो हाँ हाँ दिखा रही हूँ, मैं सब दिखा रही हूँ। अच्छा, ये महाद की कुछ सर्दी, क्योंकि अभी सर्दियाँ थी तो मैंने सर्दियों की चीज़ें हैंग करी हुई थी, क्योंकि अलमारी जो है ना मेरी, लिटरली ये पूरी जो अलमारी है ना मेरी, अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो ये बहुत छोटी है मेरे लिए, बहुत छोटी है। लिटरली मेरे कपड़े कैसे आते हैं मैं जानती हूँ, मैं गुस्से में घुसा देती हूँ कभी कभार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सर्दियों के ड्रेसेस रखे हुए हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं सर्दियों के कपड़े रख दूँ। तो जो सारे गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने दूसरी पीछे मोहम्मद ये कमरे में एक अलमारी है, वो खाली होती है, क्योंकि मदिया है नहीं तो वो खाली होती है ना, तो वो मैंने पूरी जो है वो मदिया कमरे में रखती थी वो सारे कपड़े। फिर अभी जब ज़ाहिर है कपड़े गर्मी आ गई हैं, तो अब मैं ये सारे जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, ये उस अलमारी में रख दूँगी, और वहाँ से लेकर गर्मियों के कपड़े आ जाऊँगी, सही है। अब ये वाला महाद के हो गया, ये महाद ने पहना था मदीहा की शादी में, इफ़ यू गाइज रिमेम्बर। ये महाद ने पहना था अपनी बर्थडे पे, ये मैंने महाद को जैकेट दिया था, और ये भी मैंने महाद को दिया था, विच वॉज़ फ्रॉम लेवाइस। ये महाद को मैंने सारी इतनी मज़े मज़े की चीज़ें दी थी ना, और ये महाद को एहसन भाई और मदिया ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, ये भी मैंने महाद को दी थी। तो ये सारी सर्दियों की चीज़ें हैं जो महाद को अक्सर, अभी सर्दियां थी तो सर्दियों में पहनने में आती हैं। अब नीचे वाला पार्ट है मेरा। अब एज यू गाइज नो कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने कपड़े मतलब ऐसे निकालने होते हैं ऐसे करके ना, तो ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो कि मेरी यूनिवर्सिटी के लिए हैं, जो कि मैं अक्सर
मोस्टली जो है वो पहन के जा चुकी हूँ। कुछ मैंने नहीं भी पहने हुए इसमें से और कुछ मैं पहन के जा चुकी हूँ। तो ये वो वाले कपड़े हैं जो कि शायद कुछ कपड़े प्रेस होंगे, कुछ कपड़े प्रेस नहीं होंगे। तो ये मेरी और कुछ कपड़े इसमें हैंग ही नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली हैंगर कम थे तो हैंग ही नहीं करे थे। ये है अभी ये जो शर्ट है मैंने ली थी, इट वॉज़ फ्रॉम एथनिक्स और ये मुझे बहुत पसंद है ये शर्ट। इसका मुझे ऐसा लगता है मुझे कॉर्ड सेट बनाना चाहिए, लाइक मुझे एक अच्छी सी इसके साथ इसी के कलर की एक वो लेनी चाहिए, क्या कहेंगे, बॉटम लेना चाहिए इसी के कलर का और एक कॉर्ड सेट बना के पहनना चाहिए। तो मैं पहनूंगी जब पूरा सेट करूंगी तो फिर आई विल शो यू गाइस। तो ये मैंने लिया था और ये महाद ने मुझे जब मैं शादी होकर आई थी ना तो ये महाद ने मुझे दिलाई थी कुर्ती, पहले से मतलब लेकर अलमारी में रखी हुई थी मेरे लिए। ये है कुर्ती विच इज़ फ्रॉम ऑल्सो एथनिक। अच्छा एथनिक इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि मतलब मेरे कपड़े ज़्यादातर एथनिक्स के आते हैं। ये भी एथनिक्स है, ये भी एथनिक्स है, ये भी एथनिक्स है और ये क्या है, नहीं दिस इज़ फ्रॉम ईडन रोब। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये मेरे ख्याल से महाद ने इम्तियाज से ली थी मेरे लिए। तो ये है, ठीक है। तो ये सारे वो वाले कपड़े हैं जो मैं अक्सर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है, ये सुहाए बाई डाइनर्स, ठीक है। ये वो वाले कपड़े हैं जो कि मैं ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटी जाते हुए पहन लेती हूँ, ठीक है। और ये मुझे मेरे भाई ने दी थी, ये भी मुझे बड़ा पसंद है, ये मुझे मेरे भाई ने दी थी शर्ट। और बस बाकी ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये वो वाले कपड़े हैं, कम टू दिस पार्ट। अच्छा ये वाली जो मेरी अलमारी है सारी ये मेरे तय कपड़े हैं, सारे मेरे तय कपड़े हैं, ठीक है। अच्छा ये मेरी सारी एक कुर्ती आ गई, कुर्ती 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 कुर्ती, ठीक है। ये सारी मेरे आ गए जीन्स जीन्स जीन्स, मतलब बॉटम बॉटम बॉटम। ये कुर्ती पता नहीं यहाँ पे किसने रख दिया, ये पूरा कुर्ती और पूरा टू पीस है, सही है। पीछे भी इसके जीन्स होंगी कुर्ती होंगे क्योंकि ये मतलब इसकी पूरी एक जगह है, पूरी एक अलमारी है ये, तो इसमें एक जगह है कि मैं आगे भी रख सकती हूँ पीछे भी रख सकती हूँ, मतलब दो पार्ट्स मैं इसके बना सकती हूँ। यही वाला पार्ट पीछे भी है, ठीक है। तो मैंने आगे भी जीन्स रखी हुई हैं, पीछे भी अगर दिख जाए तो मैं, दिख नहीं रहा यार, हटाना पड़ेगा और बहुत मैस हो जाएगा फिर, ठीक है। ऊपर भी कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, ये कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, यहाँ पर भी कुर्तियाँ हैं और यहाँ पर मेरे कुछ नाइट ड्रेसेस हैं। पीछे भी इसके यही होगा, यहाँ से पीछे से दिख रहा है, पीछे भी इसके ये होगा, यहाँ पर भी कुछ नाइट ड्रेसेस होंगे, यहाँ पर भी कुछ नाइट ड्रेसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। Now come to this part, फिर अगेन ये महाद की आ जाती है, वो एक छोटी सी और ये एक छोटी सी। अच्छा मैंने महाद के सिर्फ इतने से कपड़े नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अलमारी छोटी पड़ी थी तो मैंने महाद के कपड़े निकाल के वो वहाँ डाल दिए। और यहाँ पर जो कैजुअल पहनने की चीज़ें होती है ना, जो डेली बेसिस पे मतलब निकाला और पहन लिया, तो ये वो वाली चीज़ें मैंने महाद की जो है वो यहाँ सेट कर दी है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हो गया। अच्छा जी नाउ कम टू दिस। अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला, अल्लाह पूरे कपड़े इस पे आए हुए। ये मेरी जो है वो कुछ चप्पलें हैं, ठीक है। ला हट जाओ भाई, ऊपर चले जाओ तुम लोग, जगह ही नहीं है इनके ऊपर जाने की। तो हाँ ये मेरे कुछ जूते चप्पल हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी रखने की जगह नहीं थी, तो वो जो टॉप पे आप लोगों को बॉक्सेस दिख रहे हैं वो मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। कुछ अपनी चादरें, हैंडबैग्स, क्योंकि आई डोंट कैरी बिग हैंडबैग्स यू नो यूजुअली, तो मैं सारे मैंने ऊपर डाल दिए पीछे की तरफ। और जो कि चप्पलें मैं नहीं पहनती यूजुअली, कैजुअल हील्स मैं नहीं पहनती ज़्यादा, तो वो भी मैंने ऊपर बॉक्सेस में डाल के डाल दिए। तो ये वो वाले हैं जो मैं कैजुअल पहन भी लेती हूँ, अक्सर पहनती हूँ, और ये मैंने शायद आप लोगों को पहले भी दिखाया है। तो ये भी पार्ट मेरा भी है, हाथ की भी चप्पलें हैं इसमें, और ये हमारे कुछ कैजुअल जूते हैं, ये महाद के कुछ फॉर्मल जूते आ गए हैं, और यहाँ पे एक अदद मेरी चप्पल भी आ गई क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। इट्स फ्रॉम स्टाइलो, ये मैंने अभी अभी लिए, और क्योंकि स्टाइलो पे सेल लगी हुई थी तो मैंने गई तो मुझे एक चप्पल ली। वैसे स्टाइलो पे यूजुअली मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन मुझे ये पसंद आई तो मैंने ले लिया, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये उठा ली। मैंने कहा चलो ऑफ वाइट कलर में सबके साथ मैच भी हो जाएगा, है ना, तो मैंने ये ले लिया। सांस फुल रही है लिटरली मेरी अभी। अच्छा नाउ कम टू दिस पार्ट, अब इस पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक अदद महाद के कुर्ता शलवार है, बाकी सारे कुर्ता शलवार महाद के वहाँ हैं। ये आई डोंट नो इसमें कोट पैंट है क्या है, मेरे ख्याल से अभी हम शो में गए थे तो उसका जो कोट पैंट था ना वो यहीं पे इसी अलमारी में रह गया। ये है, ये भी शायद कुर्ता शलवार महाद का इसी अलमारी में ही है। हाँ ये ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार है। ये मेरा अबाया है एक अदद विच वॉज़ फ्राम ताहिरुल कादरी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट,
लेकिन हाँ ये वहाँ का था और ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था वहाँ पर उनके पास, तो ये बड़ा महंगा आया था तो ये मैंने रखा हुआ है अभी तक अपने पास, क्योंकि यूजुअली जब मैं रेडी नहीं होती कहीं के लिए और निकलना होता है फटाफट तो मैं अबाया पहन लेती हूँ। ठीक है, सांस फूल रही है बार बार। अच्छा, ये आ जाती है महाद की वेस्ट कोट जो कि हमारे निकाह की है, ये महाद ने हमारे निकाह में पहनी थी। ये मेरा एक शॉल है, ऐसी एक और शॉल है मरून कलर की जो कि मेरे ख्याल से डीटी के पास है, दरक्षा के पास रह गई है वो, तो ये एक और है मेरे पास। ठीक है, ये सर्दियाँ थी तो ज़ाहिर है मैंने ये सब सामने ही रखा हुआ था। ये एक ड्रेस है, ये जो कि अभी पहना नहीं है, मुझे पहनना था अपने 100K के लिए लेकिन अभी तक पहना नहीं है तो मैं भी इसको सही से दिखाऊंगी भी नहीं, वैसे आप लोगों को उसी में दिखाऊंगी। ये मेरी एक साड़ी है जो कि मैंने मदीहा की वलीमे में पहनी थी और ये बहुत अच्छी, मैंने इसके साथ जब मैंने पूरा एक सेट किया था अपना मेकअप और हर चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, ये मेरी एक फ़्रॉक है जो कि मैंने अभी तक पहनी नहीं है, सही है पहनी ही नहीं है मैंने अभी तक। और ये मेरे कुछ फर जैकेट्स हैं दो, आई लव फर जैकेट्स बाय द वे। ये मेरा फर जैकेट है विच वॉज फ्रॉम वन, ये वन का था फर जैकेट, इसका मैंने प्राइस टैग भी अभी तक नहीं हटाया है, ये देखें प्राइस टैग भी लिटरली अभी तक मैंने नहीं हटाया, क्योंकि मैंने मुश्किल से, एक तो कराची में सर्दियाँ ही नहीं होती हैं है ना, मुश्किल से ये मैंने जो है पहना था अपना दो बार बस, लिटरली आई वोर इट ओनली फॉर टू टाइम्स ही, मुझे सही से याद नहीं है, शायद मैंने एक ही बार पहना हो जो कि महाद की बर्थडे के लिए मैंने लिया था, ये वो था क्योंकि मैंने महाद की बर्थडे की थीम कुछ इस टाइप की रखी थी ऑफ वाइट और पिंक, तो महाद को ऑफ वाइट पहनाया था और मैंने पिंक पहना था। ये मैंने वैलेंटाइंस डे पे पहना था, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इट वॉज़ फ्रॉम थ्रिफ्ट स्टोर और ये भी बहुत अच्छा था। ठीक है, ये मुझे किसी थ्रिफ्ट स्टोर से रिसीव हुआ था। ये भी जैकेट है, इट वॉज़ फ्रॉम आउटफिटर्स और ये भी बहुत प्यारा जैकेट है मेरा। ये एक ड्रेस है, ये मैंने बकरा ईद पे पहना था और उसके बाद मैंने पहने नहीं है, मुझे टाइट हो गया ड्रेस अपना, सही है। ये मेरा एक आउटफिट है जो कि शादी के पहले का है, मेरे पापा ने मुझे दिलाया था, मैंने एक दो बार पहना है अक्सर। ये मेरे कुछ दुपट्टे हैं हैंग हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पे कैन कैन भी हैंग हुई हुई है, दुपट्टे भी हैंग हुए हैं क्योंकि अक्सर हम यूँ दुपट्टे निकालना होता है ना, तो दुपट्टे बेसिकली, दुपट्टे का मैं आप लोगों को सीन बताऊँ, दुपट्टे मैं बिल्कुल अलग करके रखती हूँ, इन किसी ड्रेसेस के साथ मैं दुपट्टे नहीं रखती, मैं जो वहाँ पर भी ड्रेसेस थे उनमें इसके साथ भी मैं दुपट्टे नहीं रखती। ये एक आउटफिट है जो कि मैंने अभी तक पहना नहीं है, मुझे मेरी उसमें रखा था अपना, अम्मी ने जब मैं आई थी शादियों का तो रखा था, मैंने पहना नहीं है ये आउटफिट, तो मैंने बहुत पहना है, ये मुझे पसंद है क्योंकि आई लव येलो कलर, तो ये मुझे बड़ा पसंद था और ये आउटफिट मुझे अच्छा लगता है, तो ये है उल्टा हुआ मैं, मेरे अक्सर आउटफिट उल्टे होंगे, मैं सीधे नहीं करके रखती। अच्छा, ये मेरा ब्लू कलर का ये था अपना कुर्ती है, ये मम्मी ने मुझे दी थी विच इज़ फ्रॉम, इट्स अ चेंज फ्रॉम चेंज, ठीक है ना, और ये मैंने एक बार पहनी थी, हम डिनर पे जा रहे थे माधुर में तो उस पर पहनी थी मैंने। अच्छा, ये मेरी साड़ी है ब्लैक कलर की, प्लेन ब्लैक साड़ी थी ये, तो ये वो है। ये भी मेरी एक कुर्ती है और आई गॉट इट फ्रॉम खाड़ी, मेरी बहुत अच्छी कुर्ती है और मैंने बहुत, अब मैंने शायद एक ही बार पहनी है जो कि फिर आई पहनी नहीं उसके बाद। ये जो है ये मेरा एक आउटफिट नहीं, एक शर्ट टाइप की है जो कि मैंने खरीदी थी अलकरम से और ये मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है मैंने अभी तक ये वाली, सही है बिल्कुल, ऐसी अक्सरियत मेरे ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आउटफिट मुझे बड़ा पसंद है अपना, ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से बंद होता है ऐसे ना, गला इसका बंद होता है, ठीक है, और ये कुछ शीशे का इस पर काम हुआ हुआ है, ये बहुत प्यारा सा आउटफिट है। इसमें आप लोगों ने मेरी पिक्चर्स नहीं देखी होंगी क्योंकि मैंने इसमें कोई पिक्चर लगाई नहीं है अपनी, और यहाँ पे पफी ऐसी स्लीव्स हैं, ये ऑर्गेन्जा इसका है और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, ये मैंने बेसिकली अपने भाई के निकाह के लिए बनवाया था, तो बहुत खूबसूरत आउटफिट है, मुझे बड़ा पसंद है ये आउटफिट। ठीक हो गया, ये आउटफिट है मेरी भाभी ने मुझे दिया था मेरी शादी पर, यह भी बड़ा प्यारा आउटफिट लगता है मुझे, पीच कलर में है। ठीक है, अच्छा ये तो मेरा फेवरेट आउटफिट है, ये भी मुझे मेरी भाभी ने दिया था और ये मेरा फेवरेट आउटफिट है और फेवरेट कलर, फेवरेट आउटफिट, मतलब बहुत पसंद है मुझे ये वाला आउटफिट, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मैंने जैसे ही मेरा निकाह हुआ था, मैंने अपने निकाह के फौरन बाद ये वाला आउटफिट पहना था, रेड आउटफिट, रेड दुल्हन, तो इतना कोई खेल रहा था ये आउटफिट उस दिन कि आई कांट इवन टेल यू गाइस, बहुत प्यारा आउटफिट है। ये सब मेरी शादी पे बने थे ये वाले आउटफिट्स ना, ये सारे मोस्टली मेरे शादी वाले आउटफिट्स होंगे, ज़्यादातर कैजुअल वाले उसमें चले गए और आई मीन यूनिवर्सिटी वाले उसमें चले गए वो वाले पार्ट में,
और जो डेली वेयर है वो इसमें आ गए, और ये वाले आ गए शादी के मोस्टली। इसमें भी कैजुअल हैं मेरे, लेकिन मोस्टली जो है वो शादी के हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी मेरा बड़ा प्यारा आउटफिट है, मैंने मधिया की ढोलकी पे भी पहना था और मधिया की दोस्त की मेहंदी में भी पहना था। ये भी बड़ा प्यारा आउटफिट है मेरा, है ना। ये देखें कितना खूबसूरत ये इसका कटवर्क हुआ हुआ है, कितने अच्छे से हुआ हुआ है ये काम, तो मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। ये भी मैंने एक ही बार पहना ये आउटफिट, और इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा सा है और अच्छा है ये वाला आउटफिट भी, ठीक है। अब ये वाला आउटफिट है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई भाभी, मेरी भाभी ने मुझे ये दिया था, और ये भी बहुत प्यारा आउटफिट है, मेरी शादी पे मिला था मुझे ये, सही है। अच्छा, ये आ गया, इसमें कैजुअल आउटफिट है, इसमें भी कैजुअल आ गया। ये मैंने लिया था, इसकी जेब के बाहर निकले गए, ये मैंने लिया था, इट वॉज़ फ्रॉम अलमीरा, और ये मैंने एक बार पहना है, इसका है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़, सही है। और ये मैंने एक बार पहन के छोड़ दिया, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे टाइट हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल था, बस ज़िद में कि नहीं मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे कलर उस वक्त बहुत एन था, मैंने कहा मुझे चाहिए, मैंने लिया और ये मुझे टाइट हो गया, उसके बाद मैंने पहना नहीं, सही है। ये है वो, अब ये मेरी कुर्ती जो कि उल्टी हुई हुई है, अक्सर कपड़े उल्टे ही दिखेंगे आप लोग को, ही मेरी कुर्ती उल्टी हुई हुई है, क्योंकि सीधा करने का टाइम नहीं होता ना गाइस, सही है। ये है कुर्ती, और ये मेरी खाड़ी से है कुर्ती, और इसके अंदर ट्राउज़र भी मैंने ऐसी नॉर्मल इसके साथ पेयर अप किया था। अच्छा, ये मेरी एक फ़्रॉक है जो कि मैंने पिछले साल पहनी थी जुम्मतुल वदा पे, ये मुझे मेरे फादर ने दी थी, सही है। अच्छा, ये मेरा है आउटफिट, इट्स अ लहंगा, ये मेरा लहंगा है जो कि मेरी तकरीबन मैंने भी एक बार पहना है, ये दरक्षा ने भी एक बार पहना है, और ये मेरी कज़न ने भी एक बार पहना है, मतलब मैंने पहन के छोटा कर दिया, मुझे आता भी नहीं आया। किसी को अगर चाहिए अपनी बहन बहन की शादी के लिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है वैसे, ठीक है। अच्छा, ये भी आउटफिट मेरा उल्टा हुआ है, सीधा करने की मेरी हिम्मत नहीं है, और मैं आप लोग लिटरली सीधा करके दिखाऊंगा। ये आउटफिट भी बहुत प्यारा है, ये मैंने नीचे अलग से फ्रिल बनवाई थी, और मधिया की शादी में पहना था फ्रिल बनवा के ना, अलग से फ्रिल बनवाई थी मैंने, बहुत प्यारा आउटफिट है ये मेरा। अच्छा, इस आउटफिट का ये मैंने अपनी शादी की, जब मेरी रुखसती हुई थी, तो रुखसती के अगले दिन मैंने ये वाला आउटफिट बनाया था, ये भी बहुत प्यारा आउटफिट है मेरा। ये कौन सा आउटफिट है, ये भी उल्टा हुआ है, अल्लाह की पना, ये भी उल्टा हुआ है, लेकिन अगर मैं आप लोग को ऐसे दिखाऊँ, ये है वो वाला आउटफिट जो मैंने मीठी ईद के दूसरे दिन पहना था, सही है। अच्छा, ये आ गई मेरी एक कुर्ती, इसमें ये भी वाला आउटफिट है जो कि मैंने अम्मी ने, जब मेरी शादी हुई थी तो अम्मी ने मेरी उसमें रखा था, क्या बोलते हैं, बरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसमें रखा था, बस सही है। अच्छा, ये मेरा आउटफिट है जो मुझे आई एम रोज़िया की तरफ से रिसीव हुआ था, ये भी बहुत प्यारा आउटफिट है, ये मैंने एक ही बार पहना है, पहना ही नहीं है उसके बाद मैंने, ये मेरे मोस्टली आउटफिट मैंने एक दो बार पहने, उसके बाद पहने ही नहीं है, इवन ये भी है जो ये है ना, ये भी एक दो बार पहने ही नहीं है उसके बाद मैंने, ये सही है। ये हैंगर से निकल गया। अच्छा जी, और क्या बचा है, ये मेरा लैब कोट है, ऑब्वियसली आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, लैब कोट भी है। ये एक फ्रॉक है जो कि मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है, हाँ ये मुझे रिसीव हुई थी कहीं से, और ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है, इसके वाइट स्लीव्स हैं, तो उसको भी मैं कुछ पेयर अप करके किसी के साथ पहन ही लूँगी कभी। अच्छा, ये मेरा एक आउटफिट है बड़ा प्यारा सा, इट्स फ्रॉम जे डॉट, ये बहुत मैंने टाइम पहले लिया था, और ये बड़ा प्यारा आउटफिट है मेरा, देखें बहुत प्यारा आउटफिट है, और ये मैंने दो तीन बार पहना है, और इसका जो इसके साथ एक लहंगा था इसका, सही है, तो वो ख़राब हो गया था, लहंगा नहीं गरारा टाइप का था, वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसकी कुर्ती संभाल के रखी है, क्योंकि आई लव दिस कुर्ती, मुझे ये बड़ी पसंद है, तो मैंने ये निकाली नहीं है, किसी को अगर चाहिए तो ले ले, स्मॉल साइज़ है, तो ये है। और ये एक सूट है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरा आउटफिट है, ये भाभी ने पहना था जुबारिया भाभी ने मंदिया की उसमें गोद भराई में, तो ये बड़ा प्यारा आउटफिट है, बहुत ही प्यारा आउटफिट है, ये भी मुझे मेरी भाभी ने दिया था, ठीक है। अल्लाह, ये भी उल्टा हुआ है, ऐसे दिखा देती हूँ, याद आ गया होगा आप लोगों को, ये मैंने एम्ब्रोजिया से लिया था, और ये मुझे मैंने पहना था अपना मीठी ईद के पहले दिन, शादी के बाद जब पहली ईद थी तो उसमें पहना था मैंने, सही है। और ये मेरे फादर ने मुझे दिया था, ये भी उल्टा हुआ है, सीधा नहीं कर सकती, ये बर्थडे गिफ्ट था मेरा, ये मैंने पहना था निदा यासिर के शो में, ठीक है। ये मेरा वो वाला आउटफिट है जो सबको बहुत पसंद आया था, मैंने मीठी ईद के थर्ड डे पहना था, इसमें मेरा निकाह का आउटफिट है, ये मेरा फेवरेट आउटफिट है, और
ये मैंने मधियालो की ढोल उसमें पहना था गोदभराई में, और ये मेरा आया था निदया सिर के शो के लिए, लेकिन मैंने पहना नहीं था क्योंकि मुझे ये बहुत हैवी लग रहा था, ठीक है। फिर मैंने ये वाला पहना था। तो इस अलमारी में जो कपड़े थे वो मैंने दिखा दिए हैं, और भी मज़ीद कपड़े हैं जो कि इस अलमारी में जगह नहीं थी। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि अलमारी कितनी भरी हुई है, कितनी कंजस्टेड है, मैं थक गई बोल के लिटरली, कितनी कंजस्टेड है। और मैंने बड़े ही मतलब तसल्ली से इसको सेट किया था क्योंकि इसमें कपड़े नहीं आ पाते, सही है। तो मैंने फिर कुछ कपड़े महाद के निकाले, कुछ कपड़े अपने निकाले, हैवी यहाँ पे भी मेरे हैं, लेकिन वो वाले हैं जो मैं यूजुअली अक्सर पहन के मैंने इसी में डाल दिए। तो लास्ट टाइम जो मैंने पहने तो मैंने इसी में डाल दिए, तो इस अलमारी में रखने की नौबत ही नहीं आई, तो वो यहीं पर रखे हुए हैं। बाकी कुछ कपड़े जो हैवी हैं वो वहीं पर रखे हुए हैं, मेरी मेहंदी के आउटफिट्स हैं और भी बहुत सारे आउटफिट्स हैं, तो वहीं सारे रखे हुए हैं, सही है। और महाद के जो हैवी ड्रेसेस हैं वो वहीं रखे हुए हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, और ना हमारे पास वैनिटी की लिटरली जगह है, ना हमारे पास इसकी जगह है, बस बना के रखी हुई है। इंशाल्लाह हमने आगे सोचा है कि हम बनाएंगे और अच्छे तरीके से, तो फिर वो सेट करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा वार्डरोब टूर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वार्डरोब पसंद आई होगी, जिस तरीके से मैंने सेट की हुई है, जुगाड़ करके जो मैंने रखे हुए हैं कपड़े, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे इस तरह प्यार करते रहे। अल्लाह हाफिज़।